Happy birthday. Hello guys, welcome to my bed. Lekin apna ki After very long time, we are going to somewhere. आज हमारे सिस्टर हेडमिस्ट्रेस सिस्टर जीजी मैथ्यू का बर्थडे भी है और वो हमें कहीं आउटिंग में घुमाने भी लेके जा रही है, तो दिखाऊंगी कि आज कहाँ हम जाते हैं और क्या क्या करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं, जितने भी टीचिंग स्टाफ है विद सिस्टर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय बेड। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और ये जगह जो अच्छा है ही, बट फिर भी हम लोग चाहते हैं कि बोटिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे जाए। तो चलिए दिखाते हैं वो जो प्लेस है कैसा है। तो फ्रेंड्स, एक जगह तो हम लोग चले गए थे, वहाँ बहुत अच्छा नहीं लगा। हम लोग चाह रहे थे कि जहाँ पे बोटिंग हो वहाँ पे जाए, और देखिए बाहर बोटिंग कहीं कहीं दिख रहा है आपको बोर्ड, और यहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो फाइनली हम एक पिकनिक स्पॉट पे पहुँच गए हैं जिसका नाम है जर्मन विलेज। तो हम आए हैं जर्मन विलेज में, यहाँ पर हम पिकनिक करेंगे और हमारे जो सिस्टर हेडमिस्ट्रेस हैं उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। तो ये रहा केक और कुछ यहाँ पे, और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मिक्सचर वगैरह भी रखा गया है और हम ये खाएंगे कॉफी के साथ। तो उससे पहले केक कट कर लेते हैं। तो भी केक कट हो चुकी है और अब हम यहाँ पर बैठेंगे। और देखिए यहाँ पे सिस्टर जो है केक की पीसेस कर रही है अलग अलग, जितने भी लोग हैं उस हिसाब से। और यहाँ पे हम लोग बैठेंगे और कॉफ़ी के साथ इंजॉय करेंगे। ये देखिए हमारे सर हैं स्कूल के, और साथ ही हमारी मिस भी है। ये लोग भी बस इधर उधर थोड़ा पानी वगैरह छू रही थी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हैं, ये रहा केक और साथ में रही गर्मा गर्म कॉफ़ी। और फ्रेंड्स, ठंडी में कॉफ़ी पीने का तो अलग ही मज़ा आता है। चाय की तो अलग बात है, वो मैं जानती हूँ, बट बाहर निकले थोड़ा कॉफ़ी पी लिए तो क्या ही कहना। और साथ में यहाँ पे हम सब्जियाँ काट रहे हैं सब मिलकर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मुर्गी, उसको अभी उसका लोकल है, लोकल बा, लोकल है, लोकल है ना। तो देखिए यहाँ पे लोकल जो मुर्गी है यहाँ पे साफ किया जा रहा है कितने जोरों शोरों से। और ये देखिए तरीका निकालने का, ये हमारे भैया है, ये देखिए। तो देखिए यहाँ पे जो है ये रहा दाव, इससे भी ये जो चिकन है इसको काटा जाएगा। ये है लोकल मुर्गा जो है वो आज यहाँ पे बनेगी और बहुत ही जबरदस्त बनने वाली है। ये रहा दाव, इससे काटी जाएगी। और वहाँ पे जो है पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिस लोग बैठ कर सब्जी वगैरह काट रही है, साफ कर रही है। और दिखाते हैं आगे, देखिए मिस जो यहाँ पे बना रही है पनीर। और ये देखिए चूल्हा, पनीर क्या, मुर्गियों को आग में इसीलिए सेका जा रहा है ताकि अगर कुछ भी उसमें एक दो अगर बाल भी रहे वो जल जाए। और यहाँ पे देखिए मैं बैठी हुई हूँ, सब्जी काट रही हूँ, और सारे लोग यहाँ पे अपने अपने काम कर रहे हैं। सारे टीचर्स जो मिल के यहाँ पे सब्जियाँ काट रही हैं, और यहाँ पे सर डैनियल है वो आग जला रहे हैं। अभी सब्जियां काटने के बाद यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे सर है जो कि सर मानमोहन, ये चिकन को पीसेस में काट रहे हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे से इनको आता है सब कुछ बनाना। तो आज स्पेशल चिकन बनाएंगे हमारे सर मानमोहन।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आप सबको थोड़ा व्यू दिखाती हूँ यहाँ का। ये रहा बहुत ही नीट एंड क्लीन, शांत जगह, बहुत ही साफ़ सुथरी और बहुत ही खूबसूरत जगह आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आई थी और यहाँ पे हम लोग कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक किए हैं, क्योंकि पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा बोट है ये, और ये देखिए इसका फेस कितना क्यूट लग रहा है। तो वहाँ से आने के बाद अब मैं यहाँ पे पनीर बनाई थी, ये रहा मटर पनीर, क्योंकि हमारे फिटनेस है वो नहीं खाती है नॉनवेज आज के दिन, तो उनके लिए स्पेशली मटर पनीर। दिस इज पनीर तो यहाँ पर बन गई। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे सर विजय है हमारे, वो काट रहे हैं चिकन। ये चिकन के कुछ पार्ट्स है जिसे वो पका कर कट कर रहे हैं छोटे छोटे। ये इसका इनका वो चटनी सैलेड टाइप का कुछ बनाएंगे, और सर मनमन जो है वो बैठकर खा भी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चिकन दिखा देती हूँ आप सबको भी कि, और यहाँ आप सब पीछे देख सकते हैं जितने भी सिस्टर्स हैं वो भी बैठकर कुछ कुछ कट कर रही हैं। हम सब लोग मिलकर यहाँ पे कर रहे हैं, साथ में मिस मीरा है ये आप सबको हाई कर रही है। और अब देखिए यहाँ पे स्पेशल जो चिकन है, लोकल चिकन विथ पोटैटो, यहाँ पे सर मनमन बना रहे हैं स्पेशल तरीके से। तो देखिए अभी लगभग चिकन जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है, अब बस इसे उतारना बाकी है। और ये है हमारा सलाद जो कि जितने भी सिस्टर्स हैं सब मिलकर काटे हैं और सलाद जो है वो तैयार किए हैं। और देखिए हमारे जो हेडमिस्ट्रेस है सिस्टर हाना को खिला रही है गार्लिक लहसुन पका कर। तो यहाँ पर अब खाना जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है, और सब लोग यहाँ पे अपना जो खाना है, फूड है, वो अपने आप ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लाइन से सब लोग ले रहे हैं, और लेने के बाद यहाँ पर बैठकर सब लोग एंजॉय करेंगे। देख सकते हैं कितना लंबा लाइन लगा हुआ है, इट मीन्स बहुत सारे यहाँ पे वैरायटी बने थे, अलग अलग आइटम्स यहाँ पे बनी है, फिश, मीट, बॉयल, सलाद, बहुत कुछ है यहाँ पर। और सब लोग अपना अपना ले रहे हैं, साथ में देखिए भैया खा रहे हैं। तो यहाँ पे सब लोग खाना शुरू कर दिए हैं, तो मैं भी अभी खाना ले लूँगी और बैठकर एंजॉय करूँगी फूड का। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं जा रही हूँ लेने के लिए, और ये सर्जन से वो भी ले, देखिए मेरे थाली में कितना सारा कुछ है यहाँ पर, जो नॉनवेज है चिकन अवेलेबल था, आपको जितना खाना हो, बट जितना भी खा पाए उतना ज़रूर खाएं। यहाँ पे खा रही हूँ फिश फ्राई, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी थी फ्राई और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और साथ ही देखिए मैं पूरा प्लेट जो है वो लेके बैठी हूँ, बहुत सारे टीचर्स वो खाकर देखे मेरे पीछे वापस भी आ रहे हैं हाथ धोकर, और मैं लास्ट में बैठी थी खाने के लिए। तो अभी मैं खा चुकी हूँ खाना, खाने के बाद सोची चलो आप सबको थोड़ा सा और व्यू दिखा देती हूँ। तो अभी खाना खाने के बाद हम लोग कुछ पिक्चर्स लेंगे, फ़ोटोज़, और उसके बाद एक दूसरे प्लेस में जाएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है वो भी। तो देखिए यहाँ पे जो नदी है वहाँ पे बहुत छोटे छोटे मछलियाँ थी, ये देखिए एकदम जो पानी है उसके साइड में ही अगर जैसे जाएंगे तो हर जगह बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे कुछ फोटोज यहाँ पे अभी क्लिक किया जा रहा है, देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे वापस। तो फोटोज क्लिक करने के बाद अभी सब लोग बैठ चुके हैं वापस बस में, रिटर्न जाएंगे एक दूसरे प्लेस में, और देखिए बाय बाय कर देते हैं जर्मन विलेज को। सच में बहुत अच्छा लगा था यहाँ पर। तो देखिए अभी पिकनिक खाने के बाद हम लोग आए हैं यहाँ पे गोल्डन पगोडा, देख सकते हैं कि ये रहा इसका मेन एंट्रेंस, और अभी सिस्टर जो है वो टिकट लेके आ रही है, हम लोग आएंगे और अंदर जाके देखेंगे। तो देखिए सिस्टर जो है वो टिकट ले चुकी है, अब हम लोग अंदर जाने वाले हैं और दिखाएंगे कि यहाँ का व्यू कैसा है, बहुत ही खूबसूरत है और मुझे लगता है कि आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे ये जो है एंट्रेंस, और यहाँ पे देखिए बाकी लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, चलिए अंदर जाते हैं। और यहाँ से हम लोग जैसे ही अंदर आए हैं, और देखिए सब आगे जा रहे हैं, यहाँ पे आई थिंक एक कैंटीन है, और अंदर जाती हूँ पीछे से दिखाती हूँ सिस्टर को, एक रेड कलर का पर्स लेते हुए जा रही है, आज जिनका बर्थडे है, और आज बहुत अच्छा लगा वाकई में पिकनिक जाकर। तो देखिए फ्रेंड्स ये रही वो टेंपल, कितना खूबसूरत है, गोल्डन कलर का
कितना अच्छा लग रहा है, कितना ही प्यारा। ये मैं हूँ, ये सिस्टर है और पीछे हमारे सारे कलीग्स हैं। पगोडा इसका नाम है और देखिए पूरा गोल्डन कलर से इसे पेंट किया गया है, कितना ही ये खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे भगवान बुद्ध का एक छोटा सा स्टेच्यू है वो जो कि बाहर यहाँ पे बनी हुई है, तो देखिए आप सब भी इंजॉय कीजिए। देखिए और भगवान बुद्ध की जो ये स्टेच्यू है मार्बल से बनी हुई और बहुत ही प्यारी है। लोग जो है आते हैं देखने के लिए, जैसे कि मैं आप सबको बताई हूँ यहाँ पे बहुत बड़ा से घंटी भी रखा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ की लैंग्वेज से कुछ लिखी भी हुई है, बट आई कांट रीड, मुझे ये लैंग्वेज जो है वो पढ़ना नहीं आता है, बट मैं आप सबको दिखा दी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मंदिर के अंदर का व्यू है, ये भगवान बुद्ध का मूर्ति यहाँ पे है और देखिए वॉल में भी कितना खूबसूरत डेकोरेशन वगैरह डिजाइन बनाया हुआ है और ये साइड से कुछ इस तरह की यहाँ पे है। पीछे कितना अच्छा व्यू है कि बीच में भगवान बुद्ध जो है उनका स्टेच्यू बना हुआ है मूर्ति और बैठे हुए हैं बीच में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। 1 2 3 और ये दूसरे जो टेम्पल की तरह बनी हुई थी उसके पीछे जाके देखिए अंदर, तो देखिए कितना खूबसूरत सा यहाँ पर भगवान बुद्ध का स्टेच्यू है, मूर्ति है, उसके ऊपर भी बहुत खूबसूरत सा झूमर टाइप यहाँ पे लटका हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स उसके बाद जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो यहाँ पर नया नया ये बना है मेडिटेशन सेंटर और ये गेट के बाहर 2 हाथी है और अंदर दिखाती हूँ कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये देख सकते हैं शाम का समय है और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे फूल जो है लगे हुए थे अलग अलग डिफरेंट कलर के, और ये देखिए डालिया है, डालिया भी बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग कलर्स के यहाँ पे थे। और देखिए अब हम चलते हैं अंदर, बाहर तो दिखाएं कितना अच्छा सुंदर गार्डनिंग किया हुआ है और आप सुन सकते हैं चिड़ियों की जो आवाज़ है कितना अच्छा लग रहा है। और साथ में देखिए यहाँ पर जैसे ही अंदर आने के बाद देखिए भगवान बुद्ध का कितना बड़ा स्टेच्यू यहाँ पे मूर्ति है और देखिए लोग कितने छोटे छोटे लग रहे हैं उनके। फ्रेंड्स हम लोग आउटिंग में आज आए थे, हमें सिस्टर लेके आई थी और आज हम लोग नदी में गए, कहाँ गए वो आप सबको दिखाई भी थी और लास्ट में हम लोग आए हैं यहाँ पे गोल्डन पगोडा। आई होप फ्रेंड्स कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, ये मैं हूँ और ये है हमारे भैया, बाय बाय जा रहे हैं, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।